गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं जो लेसन वन वीडियो बनाया था उसमें क्या क्या पढ़ाया था उसको थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। तो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में पढ़े थे, जिसमें था अबाकस कंप्यूटर, आपका नेपियर, पास्कलिन, डिफरेंशियल इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। और कंप्लीट किए थे क्या ना, कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू, जैसे एसएमपीएस हो गया, प्रोसेसर और सीपीयू, एसएमपीएस, डिस्क ड्राइवर, मेमोरी चिप, ये सब के बारे में हम लेसन वन का जो वीडियो है इसमें कवर कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, जनरेशन मतलब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन। जैसे आपका ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर के बाद कौन आए हैं, फादर आए हैं, उसके बाद आप आए हो, इस तरह से क्या होते हैं ना, जनरेशन होते हैं। तो इसी टाइप का जब पहले जमाने में कैसे क्या क्या डिवाइस यूज होकर कैलकुलेटिंग डिवाइस बना गया था, और अभी क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स पैरामीटर्स यूज होकर आपका लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स बना जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं ना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चेंजेस। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में क्या क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आया था ना, 1940 से आया था, और कितने तक इसका डिमांड रहा, मतलब मार्केट में चला ना, 1956 तक। उसके बाद वो कंप्यूटर और उसका डिमांड रह गया, उसका वर्जन चेंज हो गया और कुछ चेंजेस आया है 1940। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या पैरामीटर यूज हो रहा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, और अभी उसके साथ हम कंपेयर करेंगे क्या उसमें चेंजेस हो गया। जैसे दे यूजेस वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें क्या यूज हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली किसके लिए यूज होता है ना, आपका कंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। वैक्यूम मतलब क्या है, वैक्यूम मतलब खाली करना है, ठीक है। तो पहला जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हो रहा था ना, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहा था। दे वर ऑफ वेरी लार्ज इन साइज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हो रहा था ना, वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा था, और इसका साइज क्या था ना, लार्ज इन साइज। और उसके बाद क्या इसमें था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में दे वायर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करने के लिए सपोज इसका लार्ज साइज है, ये वैक्यूम ट्यूब भी रन करेगा, कंप्रेसर रन करेगा, तो इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक बिल का ज्यादा होगा, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट इसीलिए क्या हो जा रहा था ना, ज्यादा हो जा रहा था। दे हैड स्मॉल इंटरनल मेमोरी, इसका स्टोरिंग का कैपेसिटी है बहुत स्मॉल था, कुछ एमबी में था, ठीक है, अभी 30 GB में आ गया, टेराबाइट में, तो इसका जो स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत लो था एज कम्पेयर टू रिसेंट जनरेशन कंप्यूटर। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर एज फॉलोज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल सारे सारे क्या है ना, आपका मार्क वन है और एनियाक है, और उसके बाद एडवाक और यूनिवाक, इस तरह से क्या आता है ना, आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का सारे सारे एग्जाम्पल्स है। आपका मार्क वन वॉज डिजाइन बाई हॉवर्ड एच इकेन इन 1944 में आपका मार्क वन आया था, और इसमें क्या था, इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा था, दिस मशीन वॉज स्लो इन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था उसमें क्या क्या का फंक्शन हो रहा था ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे सारे फंक्शन करने के लिए जो मार्क वन था वो क्या ले रहा था ना, ज्यादा टाइम ले रहा था ये फंक्शन करने के लिए। उसके बाद आपका आया ENIAC, ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर एनिया का फुलकर्मा था। उनको कौन डेवलप किए थे? ना जॉन प्रेस्पर कट एंड जॉन विलियम मैकॉली इन 1946। ये कब आया था? ना 1946 में ये मार्केट में आया था। इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसमें पहले ये सारे सारे था क्या था ना, एनालॉग था, जिसको मैनुअली ऑपरेट किया जा रहा था। ये क्या हो गया ना, डिजिटल हो गया। इसमें पहला डिजिटल, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसमें भी प्रोग्राम भी यूज हुआ था, पहला टाइम प्रोग्राम इसमें यूज हुआ था। प्रोग्राम क्या होता है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या होता है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इट वॉज केपेबल ऑफ सॉल्विंग ए वाइड रेंज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये क्या है ना, एज कम्पेयर टू मार्क वन, इसमें क्या हो रहा था ना, ज्यादा कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते थे। और उसके बाद आया एडबग। एडबग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वॉज, ये देखो इसका है, ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। एडबग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वॉज प्रपोज बाय जॉन रिपर एकर्ट एंड जॉन विलियम मैकॉली 1944। ये दोनों एनियाक भी डिस्कवर किए थे और एडबग भी डिस्कवर किए हैं। और इसका क्या एडवांटेज है, जॉन वॉन who also gave the concept of stored program joined them later to help in designing the Edberg। ये क्या है ना, ये जो उमन जो है वो क्या कहते हैं, मैं इनको हेल्प कहते हैं जो ये जो प्रोग्राम लिखने के लिए। उसके बाद आता है आपका यूनिबग, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या आता है ना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स वॉज डेवलप्ड बाय जॉन पी एक्ट एंड जॉन डब्ल्यू मैकॉली इन 1951। ये कब आया था ना, आपका यूनिबग 1951 में आया था। और कहां तक चला था ना, 1956 तक, क्योंकि ना लास्ट है, उसके बाद और कोई सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आ गया, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का यूनिबग क्या है, लास्ट है। इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये कमर्शियली मतलब बिजनेस पर्पज में इसको यूज किया गया था। इट हैंडल बोथ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स प्रॉपरली। इसमें बात क्या था ना, नंबर्स था भी और अल्फाबेट भी था, नंबर एंड अल्फाबेट। अल्फाबेट बोलो तो ए टू जेड तक और नंबर 0 to 9 तक, ये इसमें था। किसमें? एनीबग में। उसके बाद आपका आया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें क्या हुआ था ना, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर में आपका क्या होता है ना, इसमें 3 लेग्स होते हैं। इसको क्या बोला जाता है ना, लेग्स बोला जाता है, ठीक है। 3 लेग्स होता है। इसका मेन काम ट्रांजिस्टर का क्या होता है, ये जो पीएनपी एनपीएन दो टाइप का होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये पी का मतलब पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ट्रांजिस्टर, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ट्रांजिस्टर। इसका मतलब आपका ये जो फेजेस चेंज करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज होता है।
दे यूज ट्रांजिस्टर्स, दे वर स्मॉलर एंड फास्टर कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है और इसका साइज क्या हो जाएगा, जहां पे वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा था उसी केस में आपको ट्रांजिस्टर यूज होगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा ना, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और दे वायर्स चीपर एंड मोर एफिशियंट कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एक बहुत बड़ा मशीन बनाने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए जितना कॉस्ट होगा उसका साइज सपोज छोटा कर दोगे क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू बिग साइज। तो इसमें क्या होता ना, ये थोड़ा चीप था, सस्ता था। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर यूनिबार थ्री। एग्जाम्पल में क्या है, यूनिबार 3 क्या होता है ना, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर होता है। उसके बाद आपका ये कहां से कितने तक चला था ना, 1956 टू 1963। उसके बाद आपका 1963 के बाद आपका क्या आ गया था ना, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1971 तक इसका डिमांड रहा। इसमें क्या है ना, इसमें आईसी यूज हो रहा था। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब आपका ट्रांजिस्टर रेजिस्टर डायोड सबको मिला गया, मैं इसी टाइप का क्या कर दूं ना, सर्किट बना लू, इसको क्या बोलूंगा ना, मैं आईसी बोलूंगा। आप सारा सारा देखो, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर रजिस्टर सबको लेके एक बोर्ड के ऊपर प्लेस करोगे, बहुत उसका क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ ना, इस सबको इंटीग्रेट करके एक छोटा सा सर्किट बना लू, तो इसका इसका क्या हो जाएगा, साइज भी छोटा आ जाएगा और ये सेम ही काम करेगा, ये सारे सेल का कनेक्ट करके जो फंक्शन करेगा और इसको मैं इसके साथ अटैच कर दिया वो सेम ही काम करेगा और उसका साइज छोटा हो जाएगा। और ये जो सारे सारे को इसको क्या बोलूंगा ना, इंटीग्रेट हो गया आईसी रजिस्टर ये सब इंटीग्रेट जब हो जाएगा उसको क्या बोलूंगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। दे यूज इंटीग्रेटेड सर्किट पॉपुलरली नोन एज चिप्स। इसको क्या बोल सकते हो ना, चिप्स भी बोल सकते हो, पोटैटो वाले चिप्स नहीं, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज है। दे आर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, फास्टर। एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन से फास्टर है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन से क्या हो जाएगा, स्लो। दे आर स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। और यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो गया, तो आलिया जैसे था उसका जितना बड़ा साइज था यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल इन साइज हो जाएगा। दे यूज ए कीबोर्ड टू इनपुट एंड मॉनिटर टू डिस्प्ले आउटपुट। दे यूज ऑपरेशन सिस्टम दैट अलाउज रनिंग ऑफ मेनी डिफरेंट प्रोग्राम्स सिमल्टेनियसली। ठीक है, इसमें क्या यूज हुआ था ना, इसमें कीबोर्ड यूज हुआ था और आपका प्रोग्रामिंग जो क्या था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हुआ था। जैसे विंडोज एक्सपी लिनक्स ये सब हो गया, तो ये क्या होता है ना, ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया था उसमें यूज हुआ था, विंडोज नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, लिनक्स हुआ था आपका। इसमें एग्जांपल यूनिबार 900 सीरीज आईबीएम 360, ये क्या होता है ना, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल होता है। उसके बाद आपका मार्केट में आया था क्या ना, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1972 टू अभी जो चल रहा है वो भी फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है।
The first generation computer are the present day computers. They have the following characteristics. अभी जो लैपटॉप्स और कंप्यूटर यूज कर रहे हो ये कौन सा जनरेशन का है ना फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर्स है. दे यूजेस VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन विद कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू ऑन द सिंगल चिप. अभी इसमें जो चिप होता है चिप के अंदर क्या इंटीग्रेट कर दिया है आपका VLSI एंड ULSI इसको इंटीग्रेट कर दिया किसमें ना आपका आईसी में. तो इसका साइज क्या आ जाएगा बहुत छोटा आ जाएगा. दे आर स्मॉलर एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन द अर्लियर जनरेशन कंप्यूटर. इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होगा बहुत लेस होगा. लेस इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा. दे आर मोर एडवांस इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेसिटीज. इसमें जो मेमोरी है थर्ड जनरेशन कंपेयर टू थर्ड जनरेशन क्या है ना ज्यादा है क्योंकि ना इसमें पहले जो MB और GB में चल रहा था अभी जो सारे सारे लैपटॉप और कंप्यूटर्स आ रहे हैं TB में आ रहे हैं तो टेराबाइट में आ रहे हैं. तो इसके इससे हमको क्या पता चलता है ना इसका मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. दे हैव लीड टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स. दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम आप क्या कर सकते हो मूवी देख सकते हो गेम भी खेल सकते हो और कोई भी कैलकुलेशन और ये सब कितना सेकेंड हो रहा है ना लेस देन वन सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. एक सेकेंड से कम जो लगता है उसको क्या बोला जाता है ना फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक सेकेंड से कम. Some of the example of first generation computer are IBM PC and Apple Macintosh. ये Macintosh कौन डिस्कवर ये इनका नाम क्या था जो Apple का उसके बाद आपका आया था fifth generation computer. Till the first generation computer, the major focus was and has been on reducing size and improving efficiency. जो fifth generation का computer आएगा, ये क्या करेगा ना बहुत तेजी से काम भी करेगा और उसका साइज क्या हो जाएगा ना बहुत छोटा हो जाएगा. This result in smaller yet faster computer. ये बहुत तेजी से भी काम करेगा. However, the only drawback of this computer is the lack of ability to think and there has been an attempt to achieve this. In the fifth generation computer, these scientists are working on the fifth generation computer. अभी जो next generation का computer आएगा वो क्या है ना fifth generation computer. अभी उसका research चल रहा है. The fifth generation computer are expected to overcome the lack of thinking power in the earlier generation. यहाँ पे क्या है ना हम data दे रहे थे. अभी जो advanced वाला आएगा उसका thinking capacity क्या होगा as compared to first generation computer ज्यादा रहेगा. दिस कंप्यूटर्स विल बी बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो उसको आर्मी फर्मी जो बोलते हो उसमें जो सीक्रेट सारे सारे डाटा रखा जाता है वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट सॉरी ये होता है क्या ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एम्स टू क्रिएट कंप्यूटर दैट कैन थिंक behave and react in the same way of human beings. ये क्या करेगा ना ह्यूमन जैसे सोच सकते हैं और बोल सकते हैं और जिसे इसी तरह काम कर सकते हैं. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्या है कंप्यूटर का एक ब्रांच है ब्रांच ऑफ कंप्यूटर. ब्रांच ऑफ कंप्यूटर उन्हें क्या है ना इसका रिसर्च में अभी रिसर्च कर रहे हैं. ये इसी तरह का ह्यूमन बींग जैसे सोच रहे हैं और जैसे काम कर रहा है इसी टाइप के कंप्यूटर बनाएंगे जो वो भी खुद का काम खुद ही कर सकता है. अभी उसका रिसर्च चल रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अभी तक नहीं आया है.
और जो ब्रांच इसका रिसर्च कर रहा है उसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ना, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। जैसे आप सपोज आपका ग्रेजुएशन, सपोज आप क्या कर लियो, प्लस टू कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको साइंस कॉमर्स ये सब पढ़ना है, तो ये जैसे ब्रांच होता है सेमी, ये जो कंप्यूटर को डेवलपमेंट करते हैं ये कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है ना, प्रोजेक्टर डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। द स्क्रीन कैन बी व्हाइट बोर्ड एंड व्हाइट क्लॉथ और इवन ए प्लेन व्हाइट वॉल। ये क्या होता है ना, आपका जो जैसे आपका जो क्या है, कौन सा रूम है वो, आपका जैसे वहां पे क्या है ना, प्रोजेक्टर रूम है, वहां पे क्या लगा है, प्रोजेक्टर लगा है, तो आपका प्रोजेक्टर कहां पे पड़ता है, डिस्प्ले जो है वो व्हाइट वॉल के ऊपर आता है, जो लाइट, वो लाइट से आप क्या देख सकते हो, जो जो भी मूवी है, जो भी कार्टून है, जो भी आपका स्टडी है, उसको आप व्हाइट बोर्ड से रिफ्लेक्ट होने के बाद देखते हो। लेकिन प्रोजेक्टर क्या होते हैं, लाइट्स होते हैं, वो लाइट है कि कहाँ पे, व्हाइट बोर्ड में पड़ेगा, ताकि व्हाइट क्यों लेते हैं ना, व्हाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, जो भी कलर पड़ेगा व्हाइट के ऊपर वही कलर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन मैं दूसरा कलर ले जाऊंगा तो क्या हो जाता है, आप जो प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर से पड़े हो, जो कलर मिक्स हो जाएगा और डिफरेंट कलर में आपको रिफ्लेक्ट होगा, तो नेचुरली भी नहीं रहेगा। इसीलिए जो व्हाइट बोर्ड लेते हैं तो इसको क्या लेते हैं, जो मतलब प्रोजेक्टर का जो डिस्प्ले लेते हैं व्हाइट लेते हैं, जहां पे और लाइट पड़ेगा। ये था मेन रीजन, और थैंक यू।